अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, मेरे आज का व्लॉग आप देखें, मेरे जो है ना दो तीन सूट जो थे ना, मेरे पड़े हुए थे, मुसलसल पड़े हुए थे, ईद के थे। तो मेरे हस्बैंड को जब पता चल गया कि ये तीन सूट कोरे पड़े हुए हैं, बेगम ने पहने नहीं है, तो वो फिर हस्बैंड को अगर पता चल जाए तो वो ज़रा ख़तरे की निशानी होती है। आप समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ख़तरे की निशानी यूँ थी मेरे लिए कि हस्बैंड ने कहा, यार तुम्हारे पास तो तीन जोड़े हैं अभी, तो बस घर में पहनने के लिए ले लेना, क्या करना है, जब जोड़े हैं तो फजूल खर्ची हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपना दिमाग चलाया और मैं फटाफट से गई टेलर के पास। टेलर के पास गई तो और मैंने स्टिच करवाया इसको फटाफट। मैंने सोचा आप लोगों से ये शेयर कर लूँ। ये देखें, ये मैं कल लेकर आई हूँ टेलर से। ये देखें, ये बेल लगवाया था मैंने। ये देखें, अब आपको इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ का ये दुपट्टा है जनाब, ये देखें। दुपट्टे में जो है ना ये वाली ये लेस लगी हुई थी, मगर इस पर जो है ना मैंने एक मेरे पास पीस पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने उस पीस से ना ये डोरी पाइपिंग मुसल दी। मुझे ना डोरी पाइपिंग ज़रा से ये चौड़ी अच्छी लगती है, ये देखिए। तो फिर मैंने ये डोरी पाइपिंग करवाया है और अभी इसके ऊपर जो है ना, ये पता नहीं मुझे लेस लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल इसके ऊपर लेस लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, क्योंकि कमीज़ की जो है ना दामन पे ये देखें, आस्तीनों पे ये वाली लेस है और ये दामन पे भी जो ना ये लेस लगी है। तो क्या मुझे दुपट्टे में लेस लगानी चाहिए या सिर्फ डोरी पाइपिंग रहना चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो एक सूट मेरा ये हो गया और दूसरा सूट जो है ना मेरा ये वाला, ये अच्छा, ये सारे कलर जो है ना मेरे हस्बैंड के पसंदीदा कलर है। मेरे हस्बैंड को ये कलर बहुत पसंद है, मगर इसमें भी जो है ना ये जो बेल लगाई है हमने, ये वाली लगाई है, ये आजकल दुपट्टों में भी बहुत चल रही है साइड के बॉर्डर पे। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की बेल लगाई हुई है। और ये सूट है, ट्राउज़र सिलवाया मैंने इसके साथ का, ये देखिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इसके, ये देखें, ये बैक इसका प्लेन है और फ्रंट इसका पूरा पूरा, ठीक है। तो इसके इस सूट का जो दुपट्टा था ना, उसमें भी मैंने यही डोरी पाइपिंग लगवा लिया, क्योंकि मुझे डोरी पाइपिंग बहुत पसंद है। और ये देखो, ये दुपट्टा है उसका, ठीक, ये उसका दुपट्टा है। और ये मैंने उसके चारों तरफ ये डोरी पाइपिंग लगवा ली। अच्छा, ये डोरी पाइपिंग जो मैंने करवाया है ना, तो सिर्फ डोरी पाइपिंग के ही टेलर ने मुझे 350 रुपये लिए हैं एक दुपट्टे के। मगर आप यकीन करें, इसकी फिनिशिंग देखें, माशाल्लाह से टेलर के हाथ में तो फिनिशिंग ही होती है ना ज़्यादा अच्छी। मेरे मतलब का दुपट्टा भी बन गया और ये कपड़ा ज़ाया होने से बच गया। ये कपड़ा मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था ना, तो ये ज़ाया होने से बच गया कि मैंने इसको। अब आप देखें, ठीक है, ये मेरे हो गए दो सूट। और ये दो सूट जो है ना मेरे, मतलब मैंने इसलिए खरीद लिया था, इन्होंने दिला दिया था कि हम किसी की दावत में या किसी हल्के फुल्के तकरीब में पहनने के लिए मेरे काम आ जाएगा, मगर कोई तकरीब ही नहीं हुई। अब ये है तीसरा सूट, ये देखें, ये मैंने, ये सूट मेरा कराची का नहीं है, ये मैंने पिंडी से लिया था। काफ़ी साल पहले मैं पिंडी गई थी, तो मैंने वहाँ से ये सूट लिया था और मैंने इसको भी टेलर से ही सिलवाया था। तो ये जो सूट है, इसे भी मैंने नहीं पहना। और रेड कलर मेरा और मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है रेड कलर और मुझे भी रेड कलर बहुत पसंद है। तो ये सूट मैंने इसलिए नहीं पहना कि अभी सर्दियाँ थी, मैंने सोचा कि शायद सर्दियों में कोई तकरीब आए, किसी के जाना पड़े, या इंतज़ार करते करते सर्दी चली गई और सूट फिर वैसे ही रह गया। चले फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट साल देखेंगे, अगले साल अगर कोई तकरीब आ गई या घर में ही निकाल के पहन लेंगे। वैसे मैं कपड़ों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करती हूँ, मेरे कपड़े वैसे ही के वैसे ही पड़े रहते हैं, कितने कितने साल पुराने कपड़े जो मैंने आज तक जिस्म पर नहीं लगाए। तो मेरा ये जो है ना, ये इसका दुपट्टा है, शॉल नुमा। अब मैं ये चाह रही हूँ
कि इसके ऊपर भी जो है ना मैं ये डोरी पाइपिंग करवा दूँ, इसके ऊपर भी जो है ना मैं ये चाह रही थी कि इसी यही वाले जो है ना कपड़ा, इसको फिर मैं रख के क्या करूँगी, ये मुझसे ज़ाया ही हो जाएगा ये पीस है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें भी जाके ना टेलर से ये डोरी पाइपिंग करवा लूँ, 350 रुपये ही लेगा। तो और एक चीज़ और मैं आपको ये दिखाऊँ, ये देखें ये मेरी मुहर्रम की पहली ईद की पहली फ्रॉक, ये मुहर्रम हमारी पहली ईद जब मुहर्रम की आई थी तो मुहर्रम आई थी 5 महीने की थी ना, तो ये उनके बाबा लेकर आए थे। तो ये हमने ये देखो ये धब्बा जो लगा हुआ है ना, ये सिरिलैक का धब्बा लगा हुआ है, नहीं डेरी मिल्क खाया था मुहर्रम ने फर्स्ट टाइम, तो ये उसका डेरी मिल्क की खुशबू है। तो ये सुन, ये मेरी बेटी मुहर्रम परी जो है, हमारी जान जो है हमारे घर की, ये उनकी पहली ईद की फ्रॉक है जी। तो इन्हीं सब चीज़ों से यादें वाबस्ता होती हैं हमारी, चीज़ें देखो पुरानी चीज़ें देखो तो फिर फौरन से यादें माजी जो कहते हैं ना कि वो ताज़ा हो जाती है। तो यादें हैं, यादें अच्छी हों यादें बुरी हों, यादों से इंसान जिंदा रहता है। तो खैर ये तो थी कपड़ों की बातें। अब फिर से रमज़ान आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 अप्रैल को या 1 या 2 अप्रैल को पहला रोज़ा हो जाएगा। तो अभी मुझे जो है ना रमज़ान से पहले मुझे ग्रॉसरी करनी है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी ख़त्म हो गई हैं घर में, वो सारी चीज़ें लेकर आनी है। फिर उसके बाद जो है ना रमज़ान से पहले ही मतलब बच्चों के कपड़े जो लड़के हैं सब इनके कपड़े वगैरह लेने हैं, टेलर को देना है, क्योंकि रेडीमेड कपड़े तो ले लेते हैं फिर उनको फिटिंग करवाओ, फिर उनकी किसी को पजामा नहीं पहनना तो किसी को शलवार चाहिए, तो किसी को शलवार नहीं चाहिए पजामा चाहिए, एक मसला खड़ा हो जाता है ना। फिर बच्चों का मूड ऑफ हो जाता है कि आपने हमें ऐसा दिला दिया, आपने हमें वैसा दिला दिया। तो लिहाजा अब मतलब गुज़श्ता 2 सालों से हम लोग यही कर रहे हैं ना कि लड़कों के लिए कपड़े खरीद के और जो टेलर को दे देते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मैं अभी इसी महीने शॉपिंग कर लूँगी बच्चों की। मेरा दुपट्टा बार 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 फिसल रहा है, ये शैफून के दुपट्टे, ये भी मेरे लॉन के सूट का नया दुपट्टा था ना, तो फिर ना सूट तो मेरा फट फट गया और दुपट्टा मेरा वैसे ही कोरा रह गया। तो मैंने बोला कि अब ये दुपट्टे जो है ना ये इसी काम आएंगे, जब घर में इसी तरह मैं अपने पहनने के काम आ जाते हैं ना ये दुपट्टे। तो बहरहाल मैं आपसे यही बता रही थी कि मतलब लड़कों की शॉपिंग वगैरह, ईद आती है तो इतनी खुशी होती है, रमज़ान ईद से ज़्यादा तो रमज़ानों की खुशी होती है, वो सहरी का समा और वो इफ्तारी की तैयारी और सबको ये खाना है किसी को वो खाना है। और मेरे हस्बैंड बाकौल उनके के रात 2 बजे सब ने सहरी कर ली होती है, सिर्फ हमारे घर में सहरी नहीं बनी। तो हमारे हस्बैंड ना 2 बजे रात से जो है ना मेरे हस्बैंड मुझे डांटना शुरू, उनका मूड ऑफ हो जाता है, आप उनकी परेशानी देखेंगे, बस 2 बज गए अभी तक सहरी नहीं बनी, सब ने सहरी कर ली, बस हमारे घर में रूटीन है देर करने की। तो खैर अब मैं जो है ना ये काम करती हूँ कि मैं रमज़ानों में रात के टाइम नहीं सोती, मैं सुबह सहरी बनाती हूँ सबको खिला के, किचन समेट के, नमाज फजर पढ़ के फिर मैं जाके सोती हूँ। तो फिर मैं ठीक 2 बजे उठती हूँ, 2 बजे उठने के बाद मैं अपना शावर वगैरह लेने के बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, और उसके बाद फिर जो मैं किचन में जाती हूँ तो फिर मुझे वहीं मगरिब की अजान हो जाती है। तो ये मेरी रूटीन है। अकेले इंसान मतलब अकेले रहने के यही नुकसान है कि कोई हेल्पर है नहीं मेरे साथ, घर के 50 काम होते हैं, सबको देखना पड़ता है, इसको उसको उसको, और सबसे ज़्यादा तो हमारे घर के छोटे बच्चे मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड मुझे इतना परेशान करते हैं, इतना तंग करते हैं, मतलब खाने पीने के मामले में वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो अभी मैं आपको एक सूट और दिखाती हूँ, ये मुहर्रम का एक सूट पड़ा हुआ था, ये भी इनके बाबा के पसंद का है ना, इनके बाबा अपने पसंद से लेकर आए थे मुहर्रम के। लास्ट टाइम जब हमने मुहर्रम की बर्थडे की थी ना तो हम 2 सूट लेकर आए थे, एक रेड अनारी कलर लाए थे और एक ये लाइट पीच कलर लेकर आए थे ना। तो ये रखा हुआ है, इंशाल्लाह फर्स्ट रोजे को या रमज़ानों में कहीं हम निकलेंगे तो फिर ये मुहर्रम पहन लेंगे, या अक्सर घरों में शबे बारात में भी बच्चों को नए कपड़े पहनाते हैं, तो ये मुहर्रम के शबे बारात के लिए हमने रख दिया था। ठीक है,
कितना लाइट कलर आ रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है, सॉफ्ट कलर। ये उसके साथ का पजामा था रेडीमेड। और ये जी एक सूट, ये मेरा सी ग्रीन, एक सी ग्रीन तो मैंने ये पहनी हुई है शर्ट। और ये सूट जो है ना, ये हुरम की बर्थडे में मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। अच्छा, हुरम की जब भी बर्थडे आती है, हुरम की, अफान की नहीं, हुरम की, तो मुझे मेरे हस्बैंड जो है ना, मुझे जो भी मैं चीज़ बोलूँ या ना भी बोलूँ तो वो मुझे गिफ्ट ज़रूर देते हैं। तो ये देखें, ये अपनी पसंद का लेकर आए थे वो, ये देखें। देखा, अच्छा इसका दुपट्टा जो है वो शैफून का दुपट्टा है इसका। ये देखिए, तो जनाब ये जो है ना, दो तीन चार चार सूट जो है ना मेरे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तकरीब थी कि कहीं तकरीब हो। ये देखें, ये शैफून का दुपट्टा है, ये जरी का काम हुआ है ना। ये देखिए आर्ट्स देखे हम, तो ये सूट जो है ना मेरे अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर कहीं निकलने का मौका मिला तो फिर ये सारे कपड़े मेरे उस वक्त काम आ जाएंगे। और ये मेरी बच्ची हुरम की फ्रॉक जो मैंने उसको बर्थडे में पहनाई थी, ये देखें, ये भी वैसे ही पड़ी है। इतनी ज़बरदस्त फ्रॉक, में मुझे दिल से इतनी पसंद आई थी ये फ्रॉक, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी हसीन फ्रॉक लग रही थी। कलर तो बहुत सारे थे इसके, और मेरा दिल चाह रहा था ना कि मैं सारे ही कलर लूँ, मगर फिर मुझे जो है ना कलर चॉइस करना बहुत मुश्किल लगता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये हुरम ने खुद पसंद किया था ना, हुरम ने खुद पसंद किया था ये वाला सूट जो है ना, हुरम ने खुद अपनी पसंद से लिया था, और वो वाला सूट उसके बाबा की पसंद की, और ये भी इसके बाबा लेकर आए थे। अच्छा, हम लोगों के कपड़े जो है ना, हम जब शॉपिंग पे जाते हैं तो मतलब हम लोगों के लिए कलर और डिज़ाइन और फ्रॉक लेना है, शर्ट लेना है, या सिल्क लेना है, कॉटन लेना है, जो भी लेना है, ये मेरे शॉपर डिसाइड करते हैं। जो चीज़ उनको पसंद आती है वही चीज़ मुझे पसंद आ जाती है। तो ये अभी हुरम जो है ना, नाश्ता नहीं किया हुरम ने, हुरम बैठी ही नहीं है वहाँ पे, हुरम के बाबा ऑफिस में है। तो मैंने सोचा कपड़ों की बातें शेयर करूँ आपके साथ। तो गाइस, आपके आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो पे, नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।